अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS मार्जिन और CSS पैडिंग के बारे में सीखेंगे और इसको मार्जिन को और पैडिंग को हम CSS बॉक्स मॉडल के जरिए समझेंगे। असल में ये CSS में हम ये मार्जिन और पैडिंग किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसके लिए मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लिया है। आई होप कि आपने ऑलरेडी ये वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने CSS बॉर्डर के हवाले से बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप आई सजेस्ट के वो लाजमी देख लें। आप इलम की जस्तजु यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर CSS वाली प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से जाकर CSS बॉर्डर वाली वीडियो को लाजमी देख लें। उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था कि आपने ये कोड किस तरह से करना है और इस कोड का मतलब क्या है। इस कोड में अब हो क्या कैसे रहा काम, इसको मैं ओपन विद भी करके दिखा देता हूँ फायरफॉक्स में। तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, ठीक हो गया। तो एक मिनट दादा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, ये लाइन का मतलब ये HTML 5 में वेब पेज बना है। ये HTML का टॉप लेवल टैग है, जो भी HTML का काम करना है इसी टैग के अंदर रहते हुए करते हैं हम। ये हेड सेक्शन के लिए हेड का टैग है, ये टाइटल दिया हुआ है ताकि ये टाइटल हमें कहाँ पर नज़र आए। ये CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है क्योंकि इधर टाइटल पर मैंने क्या लिखा है, CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। स्टाइल टैग दिया ताकि CSS को मैं दे सकूँ, ठीक है, इंटरनल CSS को दे सकूँ। ओके, बॉडी सेक्शन इसलिए दिया है ताकि हम इस एरिया में काम कर सकें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। और इसमें मैंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ एलिमेंट, ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक हो गया जी। इस पैराग्राफ एलिमेंट में मैंने एक एट्रीब्यूट ऐड किया जिसका नाम है आईडी, ताकि मैं इस एलिमेंट को पकड़ के CSS में स्टाइल दे सकूं। अब इसकी आईडी मैंने रखी है P1 मैंने यहाँ पर लिखा। हैशटैग मैंने क्यों लिखा, हैशटैग इसलिए लिखा क्योंकि आईडी को पकड़ने के लिए समझ लें हम हैशटैग का यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिस इज़ पैराग्राफ CSS लैंग्वेज बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ राइट। इस ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर अब आपको शो हो रहा है, क्लियर हो गया ना। अब लेट से अगर मैं ये ख़त्म कर दूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है। अब लेट से यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मार्जिन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो, CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम टॉप। सबसे पहले हम टॉप पर जाते हैं जी, मार्जिन टॉप। तो आप अपनी मर्ज़ी से पिक्सेल्स में लगा सकते हैं, परसेंटेज में, आई थिंक परसेंटेज में नहीं लगाते बल्कि ज़्यादातर आई थिंक पिक्सेल्स में लगाया जाता है। लेट से मैं 50 पिक्सेल चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से ऐड करेंगे, इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर 50 पिक्सेल्स क्या लग गया, मार्जिन, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं मार्जिन कहाँ पर चाहता हूँ, बॉटम पर, तो इसी तरह से बॉटम पर भी आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 25 पिक्सेल्स बॉटम से, जिसको मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो नीचे मार्जिन आएगा, तो वो जाहिर सी बात दिखाई नहीं देगा, अभी फील नहीं होगा ना। तो चलें ठीक है, तो यहाँ पर अब मार्जिन मैं कर देता हूँ लेफ्ट से, ये फील होगा क्योंकि लेफ्ट साइड से मार्जिन लग गया। लेट से मैं मार्जिन लगा देता हूँ 40, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा ये, आई थिंक 22 पिक्सल्स लगा देते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आकर, तो ये देखें ये कहाँ पर कितना 22 पिक्सल्स यहाँ पर मार्जिन आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब मार्जिन मैं राइट पर लगाना चाहता हूँ, तो राइट पर भी मार्जिन इसी तरह से लगाया जा सकता है, मार्जिन राइट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लेट से 60 पिक्सल्स। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं, तो ये राइट साइड पर भी मार्जिन लग गया हुआ है। अब देखें जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये मार्जिन काम करता कैसे है। मार्जिन एक स्पेस क्रिएट करता है किसके गिर्द, ये एक एलिमेंट है, ठीक हो गया, ये पैराग्राफ एलिमेंट है। तो इस पैराग्राफ एलिमेंट के गिर्द स्पेस क्रिएट करने के लिए हम मार्जिन CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। इसको आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं मार्जिन को, वो कैसे, आप मार्जिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, मार्जिन और यहाँ पर कॉलन, सबसे पहले टॉप में देंगे कितना आपने मार्जिन चाहिए। लेट से मुझे टॉप से चाहिए सिर्फ और सिर्फ
8 पिक्सल्स, फिर राइट साइड पर दिया जाता है 7 पिक्सल्स, मैं राइट साइड से कर देता हूँ। लेफ्ट साइड से, लेट से मुझे चाहिए 12 पिक्सल्स, और सबसे पहले टॉप पर, फिर राइट पर, फिर बॉटम पर, और फिर लेफ्ट साइड पर। अब लेफ्ट साइड पर मुझे चाहिए जी लेट से 8 पिक्सल्स। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा एक मरतबा रिवाइज़ कर देते हैं। ये जो मार्जिन लगेगा ये टॉप पर लगेगा, ये मार्जिन राइट साइड पर, ये मार्जिन बॉटम पर, और ये मार्जिन लेफ्ट साइड पर लगेगा। आई होप क्या वो क्लियर होगा। इसको सेव कर लेते हैं, क्लिक करते हैं और ये सेव बटन पर, और यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मार्जिन लग चुका है। बॉटम पर कितना, टॉप पर लगा है 8 पिक्सल्स। अगर मैं इसे 80 पिक्सल्स कर दूँ, तो इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पर क्लिक करने से, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए टॉप पर 80 पिक्सल्स मार्जिन लग गया है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मार्जिन कहाँ पर लगे, लेफ्ट साइड पर, तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट पर मैं कर देता हूँ लेट से 64 पिक्सल्स। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश कर दें, तो लेफ्ट साइड पर कितना मार्जिन आ गया, 64 पिक्सल्स। ठीक हो गया, 64 पिक्सल्स मार्जिन आ गया। ये थी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं मार्जिन की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक अगर आप एक सिर्फ मार्जिन देंगे ना इस तरह से, एक ये टॉप के लिए हो गया, लेकिन हकीकत में ये टॉप के लिए नहीं होगा। अगर सिर्फ एक वैल्यू देंगे, वो टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ये तीनों के लिए इतना इतना मार्जिन हो गया। चलें इसको मैं सेव करता हूँ, ये भी आपको बता देते हैं रिफ्रेश करके। तो ये देखें, ये तमाम पर अब टॉप पर भी, बॉटम पर भी, लेफ्ट पर भी, राइट पर भी 80 पिक्सल्स मार्जिन लग चुके हैं हर तरफ। क्लियर हो गया। अब इसको लेट से मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए क्लियर हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ जी, यहाँ पर मार्जिन तो आपको क्लियर हो गया। अब इसको ना पैडिंग, पैडिंग क्या होता है, जिस तरह मार्जिन नहीं होता, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, इसी तरह से पैडिंग भी होता है। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, और पैडिंग लेफ्ट, तो उसको भी आप इसी तरह से पिक्सल्स में दे सकते हैं। लेकिन पैडिंग की मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट हैंड नोटेशन या शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बता देता हूँ। पैडिंग लिखते हैं, पैडिंग टॉप पर मुझे चाहिए, तो पैडिंग मैं कर देता हूँ। अभी इसको मैं सेव करता हूँ, आपको पहले इसको रिफ्रेश करके चेक करवा दें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, ना इस पर अभी मार्जिन लगे, ना इस पर पैडिंग लगी है। अब मैं पैडिंग ऐड करता हूँ। पैडिंग से भी स्पेस क्रिएट होती है एलिमेंट के गिर्द, जैसा मार्जिन से होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ी देर तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, पैडिंग टॉप पर मैं करना चाहता हूँ लेट्स से 40 पिक्सल्स, राइट पर मैं पैडिंग करना चाहता हूँ 50 पिक्सल्स, बॉटम पर मैं पैडिंग करना चाहता हूँ 30 पिक्सल्स, और लेफ्ट साइड पर मैं पैडिंग करना चाहता हूँ ओनली 12 पिक्सल्स। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आके, ये देखें पैडिंग लग चुकी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे पैडिंग और मार्जिन दोनों सेम काम कर रहे हैं। मतलब कि दोनों का काम क्या है, एलिमेंट के गिर्द, मतलब ये एक पैराग्राफ एलिमेंट है, इस पैराग्राफ एलिमेंट के गिर्द स्पेस क्रिएट करना, दोनों का काम सेम ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, अब मैं वो आपको डिफरेंस भी बताता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर आकर इसे मैं सेव करता हूँ, अब रिफ्रेश करते हैं। इससे क्या होगा कि बॉर्डर लग जाएगा ये पी एलिमेंट पर। ठीक है, बॉर्डर लग जाएगा, जिसका स्टाइल होगा डबल, कलर होगा ग्रीन, और उसकी विड्थ होगी 4 पिक्सल्स। तो बॉर्डर का रेडियस भी लगाया हुआ है 5 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस देना ज़रूरी नहीं है। चलें इसको मैं अरेज कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें बॉर्डर का रेडियस लग गया। अभी वो ना कोई पैडिंग है, ना कोई वो मार्जिन है। ठीक हो गया, आई होप कि इतना तो आपको क्लियर होगा। आप देखिएगा, मैं पैडिंग और मार्जिन लगाता हूँ तो आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आएगा। सबसे पहले क्या लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं, मार्जिन टॉप पर मार्जिन मैं लगाना चाहता हूँ लेट्स से 50 पिक्सल्स,
बल्कि मैं टॉप पर भी, राइट पर भी, बॉटम पर भी और लेफ्ट पर भी इतना चाहता हूँ। तो ठीक है, एक मरतबा लिख दिया, अब ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट पर भी इतना ही मार्जिन लगेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आकर। तो ये देखें, टॉप पर भी इतना मार्जिन लग गया, लेफ्ट पर भी इतना ही है, राइट पर भी इतना है और बॉटम पर भी इतना है। ठीक है, तरतीब क्या होती है, पहले टॉप पर लगता है मार्जिन, फिर राइट साइड पर लगता है मार्जिन, फिर बॉटम पर, फिर लेफ्ट साइड पर मार्जिन लगता है। क्लियर हो गया। अब मैं पैडिंग लगाना चाहता हूँ, तो पैडिंग के लिए मैं दे देता हूँ इधर पैडिंग 40 पिक्सल्स। अब आपको डिफरेंस आई होप क्लियर हो जाएगा। मैंने इसे सेव कर लिया हुआ है, सेव करने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और एस का बटन दबाना है, तो इसे आप सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ओके ठीक है, वेब पेज सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आना है आपने, रिफ्रेश करना है अब। तो पैडिंग मैंने 40 पिक्सल्स दी हुई है, अब चेक करते हैं जी। ये देखें जी, अब पैडिंग इसके गिर्द, एलिमेंट के गिर्द पैदा हो रही है, ये मार्जिन भी एलिमेंट के गिर्द है। अब डिफरेंस क्या है कि जो पैडिंग होती है वो एलिमेंट का जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर के इनसाइड होती है, ठीक है, स्पेस क्रिएट होती है, जबकि जो मार्जिन होता है वो भी स्पेस क्रिएट करता है, लेकिन एलिमेंट का जो बॉर्डर होता है उसके आउटसाइड, मतलब कि उससे बाहर में स्पेस क्रिएट करता है। पैडिंग जो होती है वो एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर वाली साइड पर स्पेस क्रिएट करती है, जबकि जो मार्जिन, मार्जिन एलिमेंट के जो बॉर्डर होता है बॉर्डर के बाहर वाली साइड पर स्पेस क्रिएट करता है। क्लियर हो गया। तो पैडिंग और मार्जिन के बारे में आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मार्जिन के हवाले से और पैडिंग के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और इलम की जस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो होता है ना मार्जिन और पैडिंग, उसको बॉक्स में देना, तो इसी को हम कहते हैं बॉक्स मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, या CSS बॉक्स मॉडल कह लें। तो इसमें क्या होता है कि सर बीच में पहले कंटेंट आ जाता है एलिमेंट का, ये एलिमेंट है पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है और ये एलिमेंट का कंटेंट है, ठीक हो गया, जो कि आपको वेब पेज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट का कंटेंट नज़र आ रहा है। सबसे पहले बॉक्स मॉडल में क्या होता है, बॉक्स मॉडल में कंटेंट आता है, कंटेंट के गिर्द फिर पैडिंग आती है, पैडिंग के गिर्द आता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर आती है मार्जिन। क्लियर हो गया जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। अगर आपका क्वेश्चन हो कोई बॉक्स मॉडल के, CSS बॉक्स मॉडल के हवाले से, या CSS मार्जिन के हवाले से, या CSS पैडिंग के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इलम की जस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप CSS की प्लेलिस्ट शुरू से देखना चाहते हैं, तो आप इलम की जस्तजू यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाली टैब पर जाएं और वहाँ पर CSS वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। वहाँ से ढूंढ के आप प्लेलिस्ट को शुरू से देखें, ताकि आपको CSS के कॉन्सेप्ट शुरू से अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।